आजमगढ़ ने हमेशा बुरे वक्त में भी अखिलेश यादव और उनके परिवार का साथ दिया है। मोदी लहर में भी अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह को अपना बेशकीमती वोट देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। वो इस बात को जानना चाहते हैं कि जिस अखिलेश यादव को उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया, उसने आखिर उन पर भरोसा क्यों नहीं किया। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। आजमगढ़ की वजह है मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा अब मुद्दा बना रही है। पूछे जब आप पूछे क्यों आप लड़े नहीं, आपका गढ़ था, लड़ना चाहिए तो 5 साल सांसद रहे, कभी दिखाई नहीं दिए। चार बार उनके पिताजी मिलाकर दोनों 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे, तो काम कौन करता, वही करते ना। हमको अवसर मिला, अगर यहाँ का मैं तो मंच से कहा था, अगर मैं क्यों ना प्रतिनिधि हूँ, अगर काम नहीं करता तो हरा देना चाहिए जनता को। काम के लिए हम करते हैं, हम राजनीति करते हैं राष्ट्र और समाज के लिए, ना कि परिवार के लिए। एक तरफ भाजपा अखिलेश के मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने को लेकर तंज कस रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी भी सपा के इस दाव में उम्मीद की किरण तलाश रही है। आप बताइए, सांसद यहाँ से हैं, अवसर यहाँ ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, विकास यहाँ किया होगा, और करहल भागे तो उसका कारण है धरातल नीचे से सरक गया। अब कुछ नहीं उनके पास है, और चुनाव करहल में भी वो हारेंगे। लेकिन विपक्ष के उठाए गए मुद्दों को सपा सिर्फ हवा हवाई बता रही है और दावा कर रही है कि कल भी आजमगढ़ सपा का एक मजबूत किला रहा है और आज भी मजबूत गढ़ है और एक बार फिर से आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। कार्यकर्ता जनता ये सब जानते हैं कि अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ की जनता से कितना प्यार करते हैं। और रही बात करहल जाने की, तो वहाँ भी पैतृक सीट है करहल। माननीय नेताजी हमारे जो है वहाँ से एक समय था चुनाव लड़ा करते थे, उनका सब कुछ वहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई, वहाँ से वो पढ़े लिखे वहाँ पढ़ाए जैन इंटर कॉलेज में जो है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि अपनी पैतृक सीट से आदरणीय अध्यक्ष जी ने लड़कर ये निर्णय लेकर अच्छा कार्य किया। इन दावों के बीच जो आजमगढ़ का सियासी इतिहास और पृष्ठभूमि रही है वो बताती है कि यादव परिवार को कितना समर्थन आजमगढ़ से मिलता रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि 7वें चरण के रण में जब आजमगढ़ में बिछेगी बिसात, तो 7 मार्च को आजमगढ़ की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।